आज की जो धरना हो रही है वो ओडिशा में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर घटती जा रही है उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी व्याकुल है और इसलिए धरना कर रही है। एक बार मुझे याद है कि नवीन बाबू ने यही कहा कि मेरे जो लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं है, पर 4.5 करोड़ जो ओडिशा वासी है वो सब मेरे परिवार के सदस्य है। आज हम नवीन बाबू से प्रश्न करना चाहते हैं कि आपके कौन से परिवार सदस्य आज अपने आप को सुरक्षित मानता है, क्योंकि हर वर्ग के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ अन्याय होते ही जा रहा है। हमारे संस्कृति में मानते हैं कि महिला को हम अपमान नहीं करते हैं, पर ओडिशा में अगर देखोगे तो महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमने तो पिपली का और ममता मेहर का वो केस भूला ही नहीं। इतने में जो तिरतोल में हुआ वहाँ का एक बीजेडी नेता का लड़का जो है एक महिला के साथ अन्याय किया, और वैसे ही केंद्र में भी एक चुने हुए प्रजा प्रतिनिधि ने वहाँ के जो अफसर महिला हैं उनके साथ भी अपमानित तरीके से उन्होंने व्यवहार किया। और जब ये सभी जाते हैं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए तो FIR दर्ज होता ही नहीं, और हाई कोर्ट को हस्ताक्षेप करके डायरेक्शन देना पड़ता है कि आप FIR दर्ज करो, और उसके बाद भी ठीक तरह से यहाँ FIR दर्ज होता है पर ठीक तरह से यहाँ इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं। तो महिलाओं के साथ किस तरह से न्याय हो रहा है ये हम पूछना चाहते हैं। और वैसे ही जिस तरह से यहाँ मंत्री और चुने हुए प्रतिनिधियों की हत्या होती है, नवदास का जिस तरह से हत्या हुआ हम सब भूले ही नहीं, और 19 दिन हो गए हैं और इस पर ठीक तरह से कार्रवाई होता ही नहीं, और यहाँ का शासन ये कहता है कि जिसने उनका हत्या किया वो पागल है। अगर वो पागल है तो वो सर्विस में कैसा है और उनके पास रिवॉल्वर कैसा आया है, यानी कि यहाँ का शासन जो है वो कुछ न कुछ छुपाना चाहता है, यही हमारा मानना है। और ओडिशा में जिस तरह से व्यवहार होती जा रही है, अगर कोई अपना आवाज उठाना चाहता है तो उसका हत्या किया जाता है। महंगा का जो डबल मर्डर हुआ, यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में जब आवाज उठाने लगे तो उनका हत्या किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ से नवीन बाबू से पूछना चाहते हैं कि आपके किस परिवार सदस्य अपने आप को सुरक्षित मानता है, और मैं आज आपके माध्यम से ओडिशा के लोगों को भी ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो धरना पर भाजपा के नेता लोग बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये अपने सुरक्षा को लेकर नहीं बैठे हुए हैं, ये ओडिशा के लोगों के सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हमारे जो विपक्ष नेता दल का नेता है जयनारायण मिश्रा जी, उनके ऊपर भी फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं। कल जिस तरह से उन पर व्यवहार हुआ, एक महिला अफसर के माध्यम से IAC के माध्यम से उन पर जिस तरह से धक्का मुक्का उनको देकर जिस तरह से व्यवहार हुआ, ये हमें ऐसा महसूस करने में दबाव डालता है कि जयनारायण मिश्रा जी भी आज ओडिशा में सुरक्षित नहीं है, और शासन को ज़रूर जयनारायण मिश्रा जी को सिक्योरिटी देना है और उसकी सुरक्षा का पूरा दे शुड टेक इट ऑन देमसेल्व्स, ये हमारा मानना है। इसलिए ओडिशा वासियों को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं वो अपने के लिए नहीं बल्कि ओडिशा वासियों के लिए लड़ रहा है, और ये अच्छा होता अगर नवीन बाबू और यहाँ का गृह मंत्री जो नबकिशोर जी का हत्या हुआ था, अगर उसका दे हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व अपने ऊपर लेना था, ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा पूरा देश में जो अपने मंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकता है, इसका जवाब जरूर नवीन बाबू को ओडिया लोगों को देना है।